करेंगे टू कैलकुलेट स्लिप ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन स्लिपिंग इंडक्शन मोटर बाय रोटर स्पीड मेथड। अब रोटर स्पीड मेथड वाला प्रैक्टिकल करना है। ये कैसे होगा प्रैक्टिकल, इसके अंदर आप देखें तो सबसे पहले हमने रोटर की ये मोटर को लगा दिया, इसके आगे जनरेटर लगा हुआ है, शाफ्ट के साथ डीसी जनरेटर, डीसी के आगे लोड लगा हुआ है। अब हमने डिफरेंट लोड्स के साथ इसको ऑन करना है और इसकी रीडिंग जो है स्पीड लेनी है वोल्ट्स में। ये वोल्ट में स्पीड जो है इस वक्त आप देखें तो टैको जनरेटर नीचे लगा हुआ है और इस टैको जनरेटर के साथ ये डीसी वोल्ट मीटर, ये देखें डीसी वोल्ट मीटर लगाया हुआ है हमने। ये डीसी वोल्ट मीटर जो है 20 वोल्ट पे किया हुआ है क्योंकि 1000 आरपीएम पे ये 7 वोल्ट देता है, तो इसका मतलब है कि 1000 आरपीएम पे 7 वोल्ट और इस तरह हमें वोल्ट्स मिल जाएंगे यहाँ से और उसके आरपीएम हम निकाल लेंगे खुद, तो ये रोटर की स्पीड आ जाएगी। और एनएस जो है इसकी 1500 है क्योंकि एनएस जो है 120 एफ ओवर पी है, फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 है, नंबर ऑफ पोल 4 है, तो ये 1500 ही आएगी, ये पूरे कॉलम में 1500 आएगा और इस पूरे कॉलम में यहाँ से वो वोल्टेज लेंगे, आप रीडिंग लेते रहेंगे। और वोल्टेज चेंज कैसे होगा, हर दफा लोड चेंज करते जाएंगे, 1 2 3 4 लोड ऑन होगी और इसके बाद स्लिप निकालनी है, तो एन एस माइनस एन ओवर एन एस डिवाइड बाई 100, तो एन एस आपकी 1500 कांस्टेंट होगी, एन जो है रेलिवेंट कॉलम से लेते जाएंगे रो से और इधर फिल करते जाएंगे, तो ये आपकी परसेंटेज स्लिप आ जाएगी। तो ये आपका मेथड बनेगा कि परसेंटेज फाइंड द स्लिप ऑफ थ्री फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर बाय रोटर स्पीड मेथड। तो रोटर स्पीड मेथड से आपने स्लिप निकाल ली। अब निकालने का तरीका क्या है, अब देखें यहाँ वो मोटर लगी हुई है, यहाँ से थ्री फेज सप्लाई हमने स्लिपिंग इंडक्शन मोटर को दे दी है, थ्री फेज सप्लाई, और इसके साथ हमने ये किया कि इसके साथ जनरेटर कपल है, डीसी जनरेटर नीचे कपल है, और इसके साथ आप देखें जनरेटर को हमने इसके आर्मेचर को शंट जनरेटर है, आर्मेचर को शंट के साथ पैरेलल में लगा दिया और इसके साथ दो टर्मिनल लिए हमने, ये दो टर्मिनल और इन दो टर्मिनल्स को आगे हमने ये लोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है लोड के साथ, और इसमें हमें ये लोड ऑन करेंगे। लोड ऑन करने से हमें सिर्फ एक रीडिंग चाहिए, वो है हमने टैको जनरेटर जो शाफ्ट के साथ लगा हुआ है उसकी वोल्टेज निकालनी है हमने, ये देखें इसकी वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। तो हम ऑन करते हैं, ये देखें यहाँ से मैंने इसको ऑन किया, सबसे पहले ऑन किया अपने सगीर साहब, ये इसकी एसी सप्लाई ऑन कीजिएगा, अभी मेन सप्लाई इसकी ऑफ है, हम जैसे सप्लाई ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, ये देखें मोटर ऑन हो गई है, अब मोटर ऑन हुई और जनरेटर चल पड़ा है। अब इसके साथ आप देखें यहाँ से वोल्टेज ले लें, ये देखें 10.05, तो पहली रीडिंग बगैर लोड के विदाउट लोड जो है ये 10.046 आ गई, ये पहली रीडिंग हम नोट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1000 आरपीएम टू 7 वोल्ट है, तो 7 वोल्ट पे 1000 आरपीएम है, तो आप देखेंगे कि 10.06 पे आप खुद निकालेंगे कितने आरपीएम आते हैं, ये पहली रीडिंग आ जाएगी आपकी। इसके बाद दूसरी लेनी है तो आप लोड ऑन करेंगे, दोबारा वोल्टेज चेक करेंगे, ये देखें वोल्टेज कितने आए हैं, आप चेक करें ये आ गया वोल्टेज, अच्छा इसके बाद अगला लोड ऑन किया ये देखें, और इसके बाद वोल्टेज चेक करें कितनी आ रही है, ये आ गई, इसके बाद अगला लोड ऑन करें और देखें वोल्टेज कितनी आ रही है, ये वाली रीडिंग आ गई, अगला लोड ऑन करें और देखें वोल्टेज कितनी आ रही है, ये वाली, अगला लोड ऑन करें और देखें वोल्टेज कितनी आ रही है, ये आ गई। तो इसको आप इस तरह कन्वर्ट करके और इस टेबल को आप दोबारा फिल कर लेंगे, तो दिस इज एंड ऑफ टुडे सेशन।